भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। संडे के दिन मायावती ने यूपी में दो बड़ी जनसभा की। अमरोहा के बाद बसपा सुप्रीमो गाजियाबाद पहुंची। अमरोहा में जहां उन्होंने मुस्लिम कार्ड चला, तो गाजियाबाद में ठाकुरवाद वाला अप्रोच दिखा दिया। सबसे बड़ी बात, ठाकुरों के जरिए मायावती ने बीजेपी से चल रही नाराजगी को भुनाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में ठाकुर समाज बीजेपी से खफा है। शायद यही कारण है कि बसपा प्रमुख ने गाजियाबाद के मंच से हुंकार भरते ही ठाकुर दांव चल दिया। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, भाजपा और दूसरी पार्टियों ने इस चुनाव में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा की है, सिर्फ बसपा ने पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज को टिकट दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफी उपेक्षा की है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। टिकट बंटवारे के मामले में उनको उचित भागीदारी दी है। इसके अलावा यूपी की पूर्व सीएम ने बसपा प्रत्याशी नंद किशोर का जिक्र करते हुए बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि गाजियाबाद में बीजेपी ने क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट ना देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफी नाराजगी थी। पंचायतें हुई और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से तो क्षत्रिय समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मायावती सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि इस बार भाजपा केंद्र में वापस नहीं आने वाली। इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। मायावती कविनगर के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने बीजेपी पर खुलकर सियासी तीर चलाए। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों में जो गुस्सा है, उसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। मायावती के भाषण से तो लग रहा है ठाकुर तो बीएसपी के साथ गयो। हालांकि कौन किसके साथ जाता है वो तो परिणाम ही बताएंगे।